हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली फरवरी का मंथ स्टार्ट हो गया है और वैलेंटाइन वीक भी स्टार्ट हो गया है। तो वैलेंटाइन वीक हर साल हम हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी सेलिब्रेट करने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहला दिन होता है रोज़ डे का, और रोज़ डे के दिन हस्बैंड मेरे लिए ये रोज़ लेके आए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। हैप्पी रोज़ डे। तो चॉकलेट डे के दिन ये सारे चॉकलेट्स लेके आए थे हस्बैंड मेरे लिए, और मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी इसके साथ में। ये बहुत ही अच्छा था, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। हार्ट चॉकलेट, हार्ट बॉक्स चॉकलेट, ओनली फॉर यू चॉकलेट्स, ओनली फॉर यू लव चॉकलेट। और उसके बाद टेडी बियर डे के दिन ये सरप्राइज था मेरे लिए। मुझे पता था इसके लिए अंदर तो टेडी बियर होगा, तो श्रेष्ठ भी मेरे साथ इसको ओपन करने में बैठ गया। बहुत खुश था, उसे लग रहा था इस में उसके लिए कुछ होगा, और वो बहुत ही पेशेंस के साथ बैठा रहा जब तक ये ओपन नहीं हुआ। वो मुझसे कह रहा था कि मम्मी ओपन, मम्मी ओपन, और मैंने इसको ओपन किया। ना, ये पूरा ओपन हो चुका है। श्रेष्ठ ढूंढ रहा है अपने मतलब की चीज़, इसके अंदर क्या निकलेगा। उसे एक ही चीज़ पसंद है, वो है गाड़ियाँ, कार, खिलौने। ओ, ये रहा मेरा टेडी। वाओ, श्रेष्ठ बहुत खुश था इसको देख के, पर शायद वो टेडी से इतना खुश नहीं था क्योंकि इसमें उसके लिए भी एक गिफ्ट था। ये छोटा सा पप्पी, पर उसको पप्पी भी पसंद नहीं आया। वो कैमरा में देख रहा था, और उसको टेडी से कोई मतलब नहीं। लास्ट में उसको खिलौना मिल गया जो कि एक ऑटो था, लेकिन और भी एक उसके लिए खिलौना था, एक छोटी सी और गाड़ी थी जिसको वो पीपी कह रहा था, और ये रहा पीपी उसकी। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ टेडी। सो टेडी तो मिल गया। अब वैलेंटाइन डे के दिन मैं क्या क्या करती हूँ ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।